गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ सिविक्स जुडिशरी स्टूडेंट यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द जुडिशरी सो लेट्स थिंक अबाउट द जुडिशरी एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जुडिशरी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर इंडिया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बेसिक कंटेंट्स व्हिच वी विल कवर इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल We will introduce the judiciary. Means एक छोटा सा introduction देंगे judiciary के बारे में. After then we will discuss about the role of judiciary. Means judiciary का क्या role होता है हमारे जीवन के अंदर उन सब चीजों के बारे में discuss करेंगे. And after then we will discuss about the an independent judiciary in India. Means India के अंदर judiciary किस प्रकार की है. Whether it is dependent upon anybody or not. Whether it is independent. तो हम इन सब सब चीजों के बारे में discuss करेंगे. After that we will discuss about the structure of courts in India. India के अंदर court का क्या structure है उसके बारे में discuss करेंगे. And after that we will discuss about the different branches of the legal system. Means हमारे legal system की कौन कौन सी branches होती है उनके बारे में discuss करेंगे. And at the last of the chapter we will discuss about does everyone have the access to the court? Means क्या हर एक व्यक्ति court में जा सकता है? क्या उसके पास इतने अधिकार हैं? क्या वो इतना powerful है? ये सब चीजें हम इस chapter में discuss करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशरी सो आपका चैप्टर है जुडिशरी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म मींस आपको इस वर्ड से क्या मतलब आता है कि जुडिशरी होती क्या है क्या आपने कभी जुडिशरी के बारे में सुना है जुडिशरी होती क्या है उसका क्या काम है क्या आपने इसके बारे में सुना है क्या अभी देखा है तो स्टूडेंट्स आपको अर्लियर क्लासेज में बताया गया था कि देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर और इसका मेन काम होता है टू मेक लॉज The second one is executives. इसका काम होता है to implement the laws and policies which are prepared by legislature. जो legislature होता है, the representative which we choose by the voting pattern, वो व्यक्ति legislature का part होते हैं. और executive क्या होते हैं? उन legislature के द्वारा बनाए गए जो policies and laws होते हैं, उनको implement करने का काम करते हैं. और जो third organ है, वो है आपका judiciary, जिसका काम होता है dispute को solve करना. आज तक आपको केवल इतना ही पता था कि जुडिशरी जो होती है वो डिस्प्यूट को सोल्व करती है तो हम इस चीज के बारे में देखते हैं कि जुडिशरी होती क्या है जुडिशरी क्या चीज है क्या काम करती है उसका रोल क्या है इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इससे पहले चैप्टर में आपको डिस्कस किया गया था रूल ऑफ लॉ हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कि इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है रूल ऑफ लॉ इट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ नोबडी इज अबव द लॉ हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान है कोई उससे ऊपर नहीं है चाहे एक व्यक्ति प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है या एक छोटा सा आम इंसान है हर एक व्यक्ति के ऊपर जो कानून है वो इक्वल मैनर से अप्लाई किया जाएगा इक्वल मैनर से इंप्लीमेंट किया जाएगा सो टू इंश्योर दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच अ कोर्ट व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड तो इसी रूल ऑफ लॉ को आप इंश्योर करने के लिए इंडिया के अंदर एक जुडिशियल सिस्टम है और इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्या है कोर्ट्स हैं जहां पर एक व्यक्ति को जब लगता है कि उसके लॉ जो है वायलेट हो रहे हैं या इसके जो राइट्स हैं उसे छीना जा रहा है तो उस सिचुएशन में वो अपने न्याय के लिए वो अपने जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट के अंदर उसको न्याय मिलता है तो जो रूल ऑफ लॉ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो केवल इस जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से ही पूरा होता है Well, students, the Constitution of India secures justice to all its citizens, apart from securing liberty, equality, and promoting fraternity. Means Constitution ने हमें liberty provide की है, equality provide की है, साथ ही साथ fraternity को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। तो इसके अलावा हमें India ने justice या हमारे Indian Constitution ने हमें justice भी provide किया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी Indian citizen है उसके साथ injustice नहीं होगा। ऐसा प्रावधान भी हमारे Indian Constitution में किया गया है। In Indian democracy, the Supreme Court plays an important role to safeguard the fundamental right of citizen, which includes providing fair justice also. जो हमारा Indian democracy है, उसके अंदर Supreme Court बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारे fundamental अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही साथ हमें provide करना एक fair justice, एक आप कह सकते हो, हमें justice provide करना, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जस्टिस अगर हम बात करते हैं विच इज द सोल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट फियर एंड फेवर मीन्स जस्टिस जिसको हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की सोल मानते हैं आत्मा मानते हैं
बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, वो प्रॉपर मैनर से हर एक व्यक्ति को इक्वल मैनर से मिलना चाहिए। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट या आप कह सकते हैं जितने कोर्ट्स होते हैं वो इस सब चीजों को मेंटेन करते हैं प्रॉपरली। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इंटेलिजेंस आर द सेम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर एक जो जुडिशरी होती है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति के लिए वो पार्शियल नहीं होती, मीन्स इम्पार्शियल मैनर से काम करती है और इंटेलिजेंट मैनर से काम करती है। वो ना तो किसी का फेवर करती है ना किसी के अगेंस्ट होती है। तो इस प्रकार की जुडिशरी जो है डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर विद्यमान होती है। सो देयरफॉर जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी। जुडिशरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किस चीज के अंदर, इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। तो इस तरीके से जुडिशरी जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है या एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए या प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज के बारे में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर में है दैट इज रोल ऑफ जुडिशरी। लेट्स थिंक अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, मीन जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी करती क्या है। सो सबसे पहला फंक्शन होता है जुडिशरी का, वो होता है डिस्प्यूट रेजुलेशन। रेजुल्यूशन मीन्स डिस्प्यूट को रिजोल्व करना, डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम हमारा जुडिशियल सिस्टम करता है। अब उस डिस्प्यूट किन किन के बीच में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो एक सिटीजन से दूसरे सिटीजन के बीच में हो या 8 या 10 सिटीजन के बीच में हो, मीन सिटीजन से सिटीजन के बीच में हो। सेकेंड, सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ हो या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट का दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो या स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो। तो किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करना, ये काम किसका होता है, ये काम होता है जुडिशरी का। सबसे पहला फंक्शन जुडिशरी का ये होता है। सेकंड वन इज जुडिशियल रिव्यू। व्हाट डिस इट मीन, इट मीन्स द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर अ वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बना दिया गया है और वो कानून या वो लॉ ऐसा हो जाता है जो कि किसी भी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उस सिचुएशन को, उस कानून को वो इनवैलिड घोषित कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है या इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी जुडिशरी का या हमारे कह सकते सुप्रीम कोर्ट का। गुड स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड वन इज अपहोल्डिंग द लॉ इन एंड इनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मीन्स कोई भी कानून बनता है उनको प्रॉपर मैनर से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीजों का ध्यान रखना। साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे जुडिशरी का काम है। अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने फंडामेंटल राइट के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप कह सकते हो केस फाइल कर सकते हैं। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो हर एक व्यक्ति को इक्वल मैनर से अधिकार मिला है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट किसी भी प्रकार से छीन लिया जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर वो क्या करता है, उस सिचुएशन के अंदर वो आप कह सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं जिसके माध्यम से उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी। मीन्स जुडिशरी जो होती है वो इस पर ये कार्य करती है। सबसे पहले वो किसी भी प्रकार के जो डिस्प्यूट है उन्हें सॉर्ट आउट करती है। सेकंड, अगर कोई भी कानून ऐसा बन जाता है जो कि अगेंस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस सिचुएशन में वो उस कानून को या तो अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कराती है या उसे इनवैलिड घोषित कर देती है। इसके अलावा अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है। जिस सिचुएशन के अंदर अगर लगता है कि किसी भी कानून के माध्यम से या किसी भी प्रोसेस गवर्नमेंट के एक्शन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का अधिकार छीन लिया गया होता है तो उस सिचुएशन में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है ताकि उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दीज आर द रोल ऑफ द जुडिशरी जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मीन्स हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट मान जाती है।
स्टूडेंट आपकी इसमें एक आप कह सकते हो स्टोरी भी दी गई है और उस स्टोरी के अंदर आप बुक के अंदर स्टोरी डिस्कस कर सकते हो। बट मैं आपको एक सिचुएशन प्रोवाइड करता हूँ। मान लीजिए कि आपका झगड़ा किसी एक पॉलिटिशियन के साथ हो जाता है और वो पॉलिटिशियन जो होता है वो पावरफुल होता है। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट के अंदर उसका इतना अधिकार होता है कि अगर जज उसके खिलाफ आदेश देगा तो वो उसे हटा भी सकता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप कभी डिमांड कर सकते हो कि आपको राइट आपको न्याय मिलेगा? नेवर। तो इसीलिए जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और ये रिक्वायरमेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को एक बार अपॉइंट करने का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट को होता है। बट एक बार वो अपॉइंटमेंट कर देता है उसके बाद किसी भी माध्यम से वो उनको हटा नहीं सकता। तो इसी वजह से हमारी जो जुडिशरी होती है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी मानी जाती है। सो स्टूडेंट अब अगर हम बात करते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन मानी जाती है। इवन इट इज कंसिडर्ड द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। पीपल के जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंडर माना जाता है। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इट इज एसेंशियल दैट जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अभी मैंने आपको स्टोरी बताई है, अगर उस स्टोरी के आधार पे हम बात करते हैं क्या जुडिशरी उस आधार पे आपको प्रोटेक्ट कर सकती है? नेवर। तो यही कारण है कि अगर जो जुडिशरी है अगर उससे आपको न्याय चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है, तो इट शुड बी और नॉट शुड बी इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ या इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी प्रकार से अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, ना ही एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज कर सकता। And it also plays a crucial role in protecting the fundamental right of the citizen because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो जुडिशरी है वो एक फंडामेंटल रोल किस तरीके से निभाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट जो है वो छीन ले गए हैं तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो व्यक्ति डायरेक्टली कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसको प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो इस तरीके से जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो इट्स अ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, मीन्स कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। सो देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ द कोर्ट्स इन आर कंट्री। ये आप सबको पता है कि हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट लेवल जो कोर्ट के डिफरेंट लेवल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आप सबको ऑलरेडी पता है, अर्लियर क्लासेज में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। सो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स इन आर कंट्री एंड सेवरल कोर्ट्स आर एट लोअर लेवल वाइल ओनली वन एट द अपेक्स लेवल। ये वन एट द अपेक्स लेवल है, इट मीन सुप्रीम कोर्ट। मीन्स आपके डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हाई कोर्ट जो होता है वो आपके स्टेट लेवल पे होता है। तो देर आर नियर अबाउट 24 हाई कोर्ट्स, और अगर अपडेटेड अगर कुछ हो जाता है तो आपको अपडेटेड वर्जन भी बता देगा, बट रिसेंटली जो अभी तक की जानकारी है उस आधार पे देर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है पूरे देश का, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर लोकेट है। तो इस आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कोर्ट बनाए गए हैं। इनमें से लोअर लेवल पे कोर्ट होते हैं और 1 अपेक्स लेवल पे कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करता हूँ, दे आर आल्सो कंसिडर्ड सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरेक्ट एट दिस लेवल। मैक्सिमम इसी लेवल के ऊपर हम काम करते हैं। अगर आपका कोई भी केस होता है तो मैक्सिमम आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही अपील करते हो। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट इज प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो उस कोर्ट का ध्यान रखते हैं, उस कोर्ट के अंदर जजमेंट करते हैं। नाउ द स्टेट लेवल कोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, जो हाई कोर्ट होता है एक स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। अगर मैं आपके हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा के अंदर जो आपका हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, आप मुझे एक क्वेश्चन के अंदर आंसर लिख के बताओगे। Okay, students. Now let's think about a Supreme Court, and it is only one apex court. And this Supreme Court of India, it is the highest judicial authority. ये highest judicial authority होती है, and it is now located in New Delhi, and it is presided over the Chief Justice of India, जो कि हमारा Chief Justice of India है, उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है।
The decision made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. It's a very most important thing. मान लीजिए अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो नीचे वाले जितने भी कोर्ट है उनको मानना पड़ता है. मान लीजिए एक केस आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाला है, अगर आप उसके चीज से आप अगर आप कह सकते हो उसके फैसले से आप सहमत नहीं हो तो उसके लिए आप उसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में डिसीजन चेंज हो सकता है. बट उसके बाद अगर आपको वहां से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उस सिचुएशन में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो. बट स्टूडेंट लिसन केयरफुली, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन होता है दैट इज फाइनल डिसीजन, और बाकी जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको वो मानना भी पड़ता है. दिस इज सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट. ये हमारे इंडियन कोर्ट का स्ट्रक्चर है. द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट इज सुबॉर्डिनेट कोर्ट आल्सो, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. मैक्सिमम जो पीपल होते हैं दे मैक्सिमम इंटरेक्ट विद दिस लेवल. एंड द सेकंड वन इज स्टेट लेवल कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के रूप में माना जाता है. एंड द हाईएस्ट जो अथॉरिटी होती है जिसे हम एपेक्स लेवल भी मानते हैं दैट इज सुप्रीम कोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी मानी जाती है, जो कि आज के टाइम में न्यू दिल्ली के अंदर लोकेट है एंड इट इज प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको इस स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट जो है इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अदर थिंग पढ़ते हैं, इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता क्या है. इट मीन्स दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट एज ऑल दीज डिफरेंट लेवल ऑफ द कोर्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर. इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप कह सकते हो स्टेट लेवल और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये तीनों लेवल आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. यही कारण है कि अगर हायर कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है. मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्हें मानना पड़ेगा. अगर हाई कोर्ट डिसीजन लेती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी उसे मानना पड़ेगा. तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर है, जहां पर जो हायर कोर्ट का डिसीजन जो है वो लोअर कोर्ट मानता है. नाउ अपीलेट सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. इट मींस दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ ही और शी बिलीव्स दैट द जजमेंट पास्ड बाय लोअर कोर्ट्स इज नॉट जस्ट. दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया ऑल्सो एंड इट इज द अनदर वे दैट डिफाइंस द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ये इंटीग्रेशन ऑफ द लेवल ऑफ द कोर्ट के कोर्ट की बात बता रहा है यहाँ पर. इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर आप लोअर लेवल के कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर आप हायर कोर्ट के लिए अपील कर सकते हो, और उस हायर कोर्ट के अंदर जो डिसीजन होता है वो आप मानते हो. अगर आप हाई कोर्ट में भी अप्लाई अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ द लेवल ऑफ द कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एग्जाम्पल माना जाता है. तो इसके माध्यम से आप अपील कर सकते हो एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया. So what are the different branches of the legal system? हमारे legal system की different branches कौन कौन सी है उनके बारे में discuss करते हैं. Now student, let's discuss about the legal system of our India. So the question is here, what are the different branches of the legal system? हमारे legal system की कौन कौन सी different branches है उनके बारे में discuss कर लेते हैं. तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ. ये आपकी बुक के अंदर है, आप इसको इंपॉर्टेंट मैनर से पढ़ भी सकते हो. तो क्रिमिनल लॉ की बात कर लेते हैं. क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, डील्स विद द कंडक्ट और यू कैन से एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस. और यहाँ पर ऑफेंस कैसे होता है कि थेफ्ट के रूप में या किसी वीमेन को हरासमेंट दे दी गई डोरी के लिए या मर्डर कर दिया गया. तो इस प्रकार के जो कानून होते हैं, इस प्रकार के जो केसेज होते हैं वो क्रिमिनल केसेज माने जाते हैं और क्रिमिनल लॉ के आधार पर उसको डील किया जाता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं सिविल लॉ की बात करता हूँ, इसके अंदर क्या होता है, इट डील्स विद एन हार्म एंड यू कैन से इंजरी टू राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. यहाँ पर एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ लैंड, यू कैन से परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर एंड डाइवोर्स केसेस एटसेट्रा, वो आपके सिविल केसेज होते हैं. तो क्रिमिनल केसेज के अंदर आप अगर थेफ्ट की बात करते हो, मर्डर की बात करते हो, डोरी सिस्टम की बात करते हो तो वो क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल केसेज में जाएंगे. और सिविल केसेज की अगर मैं बात करता हूँ लैंड का, लैंड से रिलेटेड, या आप कह सकते हो परचेज करने, किसी पर्टिकुलर थिंग को परचेज करने की बात करते हैं, या रेंट मैटर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, डाइवोर्स केसेज से बात कर लेते हैं, से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ये आपके सिविल केसेज माने जाते हैं. अगर मैं क्रिमिनल केसेज की बात करता हूँ तो क्रिमिनल केसेज के अंदर सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एफआईआर, आपको लॉज करनी पड़ेगी.
आपकी पहले एफआईआर पुलिस के अंदर लॉन्च की जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा एंड देन आपका जो 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 केस है वो फाइल किया जाएगा कोर्ट के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी थिंक अबाउट द सिविल कोर्ट, अ पेटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। अफेक्टेड पार्टी क्या होती है, डायरेक्टली कोर्ट में केस डाल देंगे। जैसे कि रेंट के मैटर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर लैंड ओनर को प्रॉब्लम है तो वो केस डालेगा, अगर जो टीनेंट है वो अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो केस डालेगा। इसके अंदर आपको एफआईआर कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही आपको पुलिस के झंझट में पड़ना होता है, आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, डायरेक्टली कोर्ट में केस डाल सकते हो। अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करता हूँ या क्रिमिनल केस की बात करता हूँ, इफ द पर्सन इज फाउंड गिल्टी द अक्यूज कैन बी सेंट टू जेल और ऑल्सो फाइन। अब जिस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया गया है तो उस दोषी को या तो जेल भी भेज दिया जाता है या उसको फाइन दे दिया जाता है। बट अगर मैं ऑन द अदर हैंड अदर की थिंग की बात करता हूँ, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर। अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर लैंड ओनर और टीनेंट के बीच में केस होता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, या तो बोलेगी कि फ्लैट को खाली कर दिया जाए या फिर आप पेंडिंग रेंट को पे करोगे। तो इस प्रकार के सिविल लॉज होते हैं। तो दीज आर द टू ब्रांचेज ऑफ आवर लीगल सिस्टम, दैट फर्स्ट वन इज क्रिमिनल एंड सेकंड वन इज सिविल केसेस। तो क्रिमिनल केसेज में क्या होता है, सिविल केसेज में क्या होता है, ये आपके सामने है। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ स्टूडेंट विल डिस्कस नेक्स्ट आवर टॉपिक, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या हमारे देश के अंदर ऐसा कानून है कि हर एक व्यक्ति कानून के अंदर जा सकता है, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। इफ यू थिंक अबाउट द इन प्रिंसिपल ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन द कंट्री। अगर हम प्रिंसिपल मैनर से बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। कोर्ट के माध्यम से हर एक व्यक्ति जस्टिस प्राप्त कर सकता है, ये हर एक व्यक्ति को राइट है। एंड इफ द लीगल प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क विच टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम एंड पुअर पीपल ऑफन अवॉइड टू गो टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस। मीन्स ऊपर हमने मैंने आपसे पहले ही स्पेशल लिखा है इन प्रिंसिपल, सिद्धांत के आधार पर बात करते हैं, प्रिंसिपल के आधार पर बात करते हैं। हमारे इंडियन सिटीजन को हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। इट्स वेरी इजी, हर एक व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मैं लीगल प्रोसीजर की बात करता हूँ, सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है। पुअर पीपल वहां पर नहीं जा सकता। रीजन क्या है, बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ मनी, इट रिक्वायर्स पेपर वर्क, और इसके लिए काफी टाइम भी लग जाता है। आपने केस फाइल कर दिया, उसके लिए आप ऐसा भी सोचते हैं कि 4-5 साल के लिए आपको वहां पर जाना पड़े। अब एक व्यक्ति जो कि डेली वेजेस वर्कर है, उसका घर उसका डेली वेजेस के ऊपर चलता है, तो क्या वो हर रोज कोर्ट के चक्कर लगाएगा? सो पुअर पीपल हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कोर्ट में जाना। यही कारण है कि ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक मान जाती है हमारे इंडियन सिस्टम की। एंड द सुप्रीम कोर्ट, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाया है। सो सुप्रीम कोर्ट डिवाइज अ मैकेनिज्म ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। दिस इज कॉल्ड PIL आल्सो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ द जस्टिस इन 1980s। 1980s के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेटअप कर दिया गया था। इसके अनुसार क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी थर्ड पर्सन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का राइट वायलेट किया जा रहा है, तो उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो व्यक्ति जो होता है, जो वो थर्ड पर्सन होता है या वो थर्ड ऑर्गेनाइज जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर सकती है, उस व्यक्ति के आधार पे वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। तो उस सिचुएशन में भी आप कह सकते हो पब्लिक, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, तो उस आधार पे उस केस की को मान्यता मिलती है। अगर वो चाहता है कि वो डायरेक्टली कोर्ट में ना जाए, तो उसके लिए वो जज के पास लेटर भी लिख सकता है और उसके माध्यम से भी केस फाइल होता है। और जज जो होता है वो वहां के SHO या आप कह सकते हो SP को ऑर्डर देता है और उन सब चीजों की वो इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर उसे लगता है कि जो केस है वो प्रॉपर मैनर से लीगल है, तो उस आधार पर डिसीजन भी लिया जाता है। तो 1980s के अंदर, क्योंकि पुअर पीपल कोर्ट में नहीं जा सकते, तो 1980s के अंदर डिसाइड किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और यू कैन से एनी ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट एंड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हूज राइट वर बीइंग वायलेटेड। जिसका अधिकार छीना जा रहा था, उसके आधार पर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, सॉरी केस फाइल कर सकते हैं, और इसके लिए वो लेटर भी लिख सकते हैं।
तो जो अगर जज उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, अगर लगता है कि केस वाकई ही जेनवन है तो उस सिचुएशन में वो डिसीजन भी ले लेता है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अधिकार, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप कह सकते हो न्याय भी मिलता है। तो ये न्याय को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति को न्याय प्रोवाइड किया जा सके, इस प्रकार का जो मैकेनिज्म था 1980s के अंदर चलाया गया और दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बिकॉज अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का राइट वायलेट किया जा रहा है तो वो आम जनता से रिलेटेड है, तो आम जनता से रिलेटेड होने की वजह से इसका नाम दिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जो कि 1980s के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चलाया गया, जहां पर कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको लगता है कि किसी भी एक आम व्यक्ति का राइट वायलेट हो रहा है तो उस सिचुएशन में वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति की तरफ से कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, जिसके अंदर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के माध्यम से न्याय भी किया जाता है। तो ये केवल कोर्ट के माध्यम से जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए किया था, ताकि हर एक व्यक्ति को कोर्ट के अंदर न्याय मिल सके। सो स्टूडेंट्स, द लीगल प्रोसीजर वॉज सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बी ट्रीटेड एज ए PIL। अगर कोई कोर्ट के अंदर लीगल आप कह सकते हो लेटर या टेलीग्राम के माध्यम से भी अपील की जाती है तो PIL के अंडर उसे आप माना जाता है और उसके आधार पे उसको जस्टिस मिलता है। एंड द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन द इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। अगर हम बात करते हैं कोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की। मीन्स कोर्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी कि वो उन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे उस सिटीजन की। And the judicial serve as a check of the on the powers of the executive and legislature and protect the fundamental right of the citizen. जुडिशरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी पावर का मिस यूज तो नहीं कर रहा, वो उसके माध्यम से बैलेंस क्रिएट करता है और इसके माध्यम से वो सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये जुडिशरी का काम है। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो कानून, हर एक व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन जो है उसके पास अधिकार होता है कि वो न्याय के लिए कोर्ट में जा सकता है और उसके लिए अपील कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति पुअर है, क्योंकि गरीब होने की वजह से वो अवॉइड करते हैं, तो कोई भी आम व्यक्ति, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड है, तो PIL के माध्यम से उस व्यक्ति को अधिकार दिला सकता है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति को इंडिया के अंदर कोर्ट में जाने का अधिकार इक्वल मैनर से मिला है। सो आई होप स्टूडेंट एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।